मैं जबलपुर वर्षों रहा। जबलपुर में इस जगत का, इस पृथ्वी का एक सुंदरतम स्थल है भेड़ाघाट। मेरे हिसाब में शायद पृथ्वी पर इतनी सुंदर कोई दूसरी जगह नहीं। 2 मील तक नर्मदा संगमरमर की पहाड़ियों के बीच से बहती, दोनों तरफ संगमरमर की पहाड़ियां। एक तो संगमरमर की पहाड़ियां, हजारों ताजमहल का सौंदर्य इकट्ठा। फिर बीच से नर्मदा का बहाव, बड़ा अपूर्व जगत है। मैं अपने एक वृद्ध प्रोफेसर को, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, दिखाने ले गया। वे आनंद से रोने लगे, बूढ़े हो गए थे, अब तो जा भी चुके दुनिया से। जब मैं उन्हें नाव में बिठा के अंदर ले गया तो वो कहने लगी कि ये जो मैं देख रहा हूं सच में है, क्योंकि मुझे लगता है सपना। नाव को उन्होंने कहा किनारे लगाओ माझी, मैं संगमरमर की पहाड़ियों को छू के देखना चाहता हूं कि सच में है। पूर्णिमा की रात में इतना ही जादू हो जाता है, भरोसा नहीं आता कि इस पृथ्वी पर इतना सौंदर्य हो सकता है। लेकिन जबलपुर में ऐसे हजारों लोग जो 13 मील दूर भेड़ाघाट देखने नहीं गए, उनके घरों में मेहमान आते जो भेड़ाघाट देखने के लिए आते, मगर उनको ख्याल नहीं आया कि देखने जाना, इतने पास है कभी भी देख लेंगे। I have lived for almost 20 years in Jabalpur, in India. It has one of the most beautiful spots in the world. For 2 to 3 miles continuously, a beautiful river, Narmada, flows between 2 mountains of marble. Just 3 miles, pure white marble on both the sides, high mountains, and the river is deep. In the full moon night, when the moon comes in the middle, and you can see those rocks also reflected into the waters, it creates almost a magical world. I don't think there is anything in the world which can be compared to that magic. It is simply unimaginable. I insisted again and again to my professor, Dr. S. K. Saxena, whom I had loved very much. Because he was the only teacher I came across who never treated me as a student. We argued, we fought on small points, and if he was wrong, he was always ready to accept it. And he was grateful.
ऐसी लगाएंगे बोर्ड, किसी को नहीं आएगी चोट। दादा पेमेंट कर देना, आप लोग बोल देना जितना गहरा होता सांस, पानी हो चाहे इंसान। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, भेड़ा घाट उस की फेवरेट जगह रही, इस बारे में थोड़ा हमारे मित्रों को जानकारी दें। यदि ओशो का नाम यदि आएगा तो भेड़ा घाट का उल्लेख वैसे ही आ जाएगा, और ओशो में तो 50 और 60 के दशक में भेड़ा घाट से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। ऐसा मानना चाहिए कि ओशो को भेड़ा घाट से इतना लगाव था कि जितना इन मार्बल रॉक्स के पहाड़ों को पानी से, नर्मदा से। नर्मदा की पवित्रता सदियों से जानी जाती रही, इसीलिए ओशो का यह प्रिय स्थान रहा है। और ओशो में जो भेड़ा घाट को जाना है, निश्चित रूप से हम सन्यासी होने के नाते ये मान सकते कि अभी तक तो हम लोग भी पहाड़ को और पानी को देखते रहे, और ओशो का जो व्यू था बतलाने का, भेड़ा घाट क्या है, नर्मदा और पूर्णिमा की रात में नौकायन क्या है, वो ओशो ने वो विजन दिया, इसलिए हम लोग ध्यान का आनंद ले पाते हैं। ओशो सदैव पूर्णिमा में यहाँ आते थे, और मैं और मेरा परिवार बहुत सौभाग्यशाली है कि मेरी जो दादी ग्रैंड मदर, मेरे फादर आज भी है, ओशो के घर में ओशो का आगमन हुआ करता था, और इसी घाट से ओशो नाव के लिए जाते थे। और हमारा वो परिवार है कि ओशो यहाँ भोजन भी ग्रहण करते थे, और रात्रि में अपनी साइकिल और कार यहाँ खड़ी करके नीचे जाते थे। मेरे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर यहाँ रहा करते थे, और मेरे बहुत पुराना एक होटल था, आज से लगभग 60 साल पहले वो जो होटल था, 50 साल पहले, वो कंटिन्यू ग्रैंडफादर चलाते रहे और मदर चलाती रही मेरी ग्रैंड मदर। तो उस समय से ओशो का यहाँ आना, और एकमात्र होटल था पूरे 50 किलोमीटर के एरिया में, तो ओशो का यहाँ आना, और ओशो का इस परिवार के साथ भी बहुत गहरी जुड़ाव रहा है, और ओशो के आशीष तो सदैव बरसते रहते हैं मेरे परिवार में, भेड़ा घाट में, और उन्हीं के आशीष से हमारे परिवार ने एक होटल भी बनाया है। तो उस होटल में मेरी कोशिश ये रहती है कि सदैव ओशो सन्यासी यहाँ आए और ध्यान आनंद की अनुभूति करें, और सदैव खुले हृदय से हम उनका वेलकम भी करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, और आपके माध्यम से आमंत्रण भी हम उनको देना चाहेंगे कि आपका आइए, आपका भेड़ा घाट है, आपका घर है, और ओशो का घर है, इसलिए आपका सदैव भेड़ा घाट में स्वागत है। मेरे होटल का नाम है होटल रिवर व्यू, और मेरा जो पैतृक काम में जो पूर्वजों से हम लोग करते आ रहे, तो मार्बल की स्कल्पचर हम लोग बनाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बुद्धा की, गणेश की, शिवा की, तो सदैव आपका स्वागत है। मैं अनिल तिवारी मेरा नाम है, संन्यास का नाम है मेरा स्वामी आनंद विपुल, एक स्वामी के नाते मेरा सदैव आपको आमंत्रण है कि भेड़ा घाट पधारे, होटल पधारे, मूर्तियों की दुकान पधारे, सदैव आपका वेलकम। सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप लोगों को, ओशो टीम को है, कि ओशो टीम जो सब सन्यासियों को सबके कांटेक्ट एक माला में परोने की कोशिश कर रही है या की है, निश्चित रूप से वो आप सब बधाई के पात्र हैं, और सदैव ओशो की दुनिया के लोगों को जोड़ने के लिए आपके जो प्रयास है निश्चित रूप से बड़े अविस्मरणीय प्रयास है, और पूरी टीम का भेड़ा घाट में स्वागत है, भेड़ा घाट में आपका अभिनंदन है, और ऐसा काम और अच्छे से करते रहे, मेरी आपको शुभकामनाएं पूरी टीम को।